इस्लाम जिंदा होता है यार करबला के बाद। और दर्द भरी दास्तान के जिसने जिक्र ना ही करने वाले कर सकने और ना ही सुनने वाले सुन सकने। 72 तन नजराने अकीदत पेश किया गया, मासूम बच्चे हथा बिच को आए, लेकिन उन्हें पाक अस्थियां मुंह तू उफ तक ना की। दसे के बीबी सुगरा मदीने पाक की बीमारी ने आलम इच इतने ज़ईफ और इतने कमजोर के उठ के खड़ा होने में ताकत नहीं। तभी भी अपने वीरा सुदूर अपने खेश कबीले सुदूर मदीने पाक इच दिल विच सोचा सोचने के कोई ऐसी तदबीर करा कि अपने वीरा नाल मिल जा। बिलाखर बीबी सुगरा ने केड़ी गल की कि अपने वीरां की तरफ खत लिखना शुरू कर दिता। तो जिस वक्त कलम चाई खत लिखना शुरू किया तो कलम चो खून डिगना शुरू हो गया। इस वाक्य की किसे लिखण वाले इस तरह तहरीर किया,
दिले जे बरदो यारफ जदों लिखिया सकीना मशहूर गाना दोस्तों टाइम इकबाल मरदे के अंदर लिखने के जिस टाइम राजा दा एक राई मुसाफर दाची सवार उसकी माई सुधरा एक खाते दे के जिस टाइम भेजने कासद मकामे करबला विच पहुंच जाना मकामे करबला ना हालदार तकिया लर्जा खा गया खौफ खा गया असपे वादा माई सुधरा नाल वादा करके आया सी डरदिया डरदिया डोलिया डोलिया कमड़े हाथों नाल माई सुधरा ना खत इमाम पाक ने हाथ में दिता तकड़ी गल होई दा इकबाल इस मकाम तक ने हाथ जो इमाम ने हाथ अंदर हो जिताए खात का सजन डोल डोल के ले डोले डोले हाथ नाल खाते जिस टाइम देता तो कड़ी गल हो बच्ची बीमार दा पापा मैं क्या मेरी सरकार ने बोल के दे इमाम पाक आख्या है कासद ओ बीमार जड़ी बची है उसका मैं बापा इमाम पाक ने आख्या के बाद असाई के इत मैं कड़ी गल करना है करबला ने बिच खरीदना आया सिरा नाम सोदे तोल तोल के थे ताकत लिखे दाने के
दायम आ विच है मैं फिर पढ़िया खत सुगरा गरे बना खोल के दे इमाम बागर जिस टाइम बाई सुगरा ना खत खैमे विच वापस आके खोलिया अरे सब ये आखिरी गल पेश कर सा काबिले तवज्जो गल है दायम एक बार लिखने कि केड़िया केड़िया आओ फरियादा केड़े केड़े तरीके नाल बाई सुगरा ने बाबे की याद किया संगा की याद किया पुख की याद किया वीर की याद किया दायम एक बार लिखने मेरे तो बाबा केड़ी केड़ी वर्ती जी अरसे ने तुसा मदीने हथू कूच कर गए हो अच्छा बाबा केड़ी गल हुई चढ़िया नवा बखार बखार उत्ते हाय दिते ओशो आवास उड़ा बाबा वेंदी रेंदिया फुफी जी जैनब फुफी जी जैनब ते अम्मा शहर बानो कदू मिल सक किले जिले का बाबा अच्छा बाबा जिस टाइम जुदाई बहुत ज्यादा सतानी और तड़पानी मैं क्या करनी हाँ कदी फातिमा कदी फातिमा ओ दादी दी कबरी उत्तर ए कदी रोजे तैं बेनिया जा बाबा तनने नाल रात पिछली जुला नाल ख्याल जुला बाबा वालियों से तय अकबर ले जाव सिया तुसा के जो आप फरमा बाबा अच्छा बाबा तुसा एक गल फरमाई सी कि जिस टाइम तू ठीक हो जासे अली अकबर की पहचान तेन ला लिया सी क्या कि बाबा हुण मैं वल हो गई हाँ मैं अपनी सफा भी ढूंढ ली बाकी तरह हुण मैं वल हाँ वो कोई तकलीफ नहीं मैनू मिली है ढूंढ सफा बाबा नाम रब दे ओए सद लो कोली अपने कर सा खिदमत अदब बजा बाबा अच्छा बाबा खिदमत मैं इस तरह कर सा मैं इस काबिल हो गई हां हिले चारे भाई शुक्रा करने भाई मैं खिदमत तो सनी कदा करनी चाहता किस तरह कर सा अच्छा के पानी परसांगी ए कपड़े तोब सांगी ए खाना दवागी आपू पका बाबा अच्छा बाबा मैं आड़ी नादान ना रही मैं उन इस काबिल हो गई हां कदा मिगी कोल बलाई कि नो
तो मैं पानी भी भरसा कपड़े भी सौगे धोए दे सा केड़ी गल करो नाम रब दे सदो उन कोल मैनू बख्शो चाहे कोई खता बाबा सखी पुत तुसा सखी मां दे बाबा उस मां ने लखता जी फिर तुसा कि जेड़ी सारी रात हथ चक्की पीसने रे हथा में छाले पै जाने सुबह गिरदार तक कोई सवाल ही आ गया तो उसके खाली वापस नहीं दे गया अच्छा बाबा सखी पुत तुसा सखी मां दे जेता लग पै खैर निशा बाबा जेड़ी कड़ी गल करनी रही है चक्की पीस के रब दी रजा खातर पीस के रब दी रजा खातर ए कदी मंगिया दी चोली विच पा बाबा कदी मंगिया दी चोली विच पा बाबा आखिर तो लिख रहे तान के वो चुगला तू साहब राजा खालिद और चौधरी गुलबार राजा फैजान राजा दरान चौधरी शकील चौधरी नजीर और चौधरी और राजा इसरार साहब इन्होंने दोस्तों निशाद मुताबक शेर किसा लिखने वाले इस तरह लिखा जुल्म लिखिया ओ उसनु कदे ख्याल नहीं नेकांदा जिस बदबख्त ने बख्ता विच जुल्म लिखिया उसनु कदे ख्याल नहीं नेकांदा सजनो आले नबी रसूल दा सितम सुन के वो यार